हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था डैपर के थ्रू गेट लिस्ट को गेट किया था, बेसिकली पेज पर लाके डिस्प्ले कराया था। इसके पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, एंटिटी के थ्रू बेसिकली कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करके हमने क्या किया था, डेटा को बाइट किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन के बाद हमें क्या करना चाहिए, ब्लॉग क्रिएट होना चाहिए। और जो ब्लॉग क्रिएट होगा उधर, वो ब्लॉग हमारे क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्ले होगा ब्लॉग वाले पेज पर। इस पेज पर क्या होगा, ब्लॉग वाले पेज हम बनाएंगे, इस पर हमारा ब्लॉग क्या होगा, डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने लॉग इन करूंगा और वहां से क्या कराएंगे, ब्लॉग का पेज, एड ब्लॉग का पेज बनाएंगे। तो लॉगिन के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं जी, एक अलग से कंट्रोलर ही ले लेते हैं एडमिन के लिए। तो यहाँ पर आपको जाना है कंट्रोलर फोल्डर के ऊपर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, और यहाँ से आपको क्या करना है, एमवीसी एम्प्टी कंट्रोलर, यहाँ से आप ऐड कीजिएगा। और देन आपका यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा कंट्रोलर का नाम लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर होम की जगह पर मैं क्या करता हूँ, एडमिन कर देता हूँ इसको। और यहाँ से होम कंट्रोलर वन है, इसको मैं हटा के एडमिन डॉट नहीं सॉरी एडमिन कंट्रोलर डॉट सी एस, ये हमने क्या किया, ऐड कर लिया। अब इसकी जैसे भी है, इसका हमारा पास इंडेक्स डिफॉल्ट एक बन गया हुआ, इसका मैं क्या करता हूँ, व्यू भी ऐड कर लेता हूँ। व्यू जब मैं ऐड करूंगा तो इसके हिसाब से हमारे क्या होगा, वहां पर फोल्डर बन जाएंगे। यहाँ पार्शियल पेज बनाना नहीं है, हमारा डिफॉल्ट लेआउट पेज यूज हो या ना हो, एक बार पहले लेआउट को हम देख लीजिए, लेआउट में हमने क्या किया था। यहाँ पर आते हैं व्यू के अंदर, और देन हमने शेयर्ड के अंदर हमने क्या बनाया था, लेआउट बनाया था। तो लेआउट में हमारा क्या है, हेडर पार्शियल व्यू एंड फुटर पार्शियल व्यू। एक काम करते हैं, हम एडमिन के हिसाब से एक और लेआउट यहाँ पर बना लेते हैं, एडमिन लेआउट। तो इसी का कॉपी बना लेता हूँ, जैसे इस लेआउट को मैं कॉपी किया और यहीं पर मैं क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो ये क्या किया जी, एक तो उसका कॉपी बना दिया, और देन मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसे रीनेम करता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ अंडर स्कोर एडमिन लेआउट। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एडमिन के हिसाब से मैं अपने चीज़ों को इसमें ऐड कर दूंगा। अभी क्या है जी, हमारा सेम इसी का एज इट इज कॉपी है। हमने क्या करेंगे जी, एडमिन का हेडर और फुटर थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, तो इसलिए मैं इसको अलग कर दिया। अब क्या करना है, अब हम कंट्रोलर फिर से ऐड कर लेते हैं, और एडमिन वाले को मैं क्या करूँगा, इसमें ऐड कर लूँगा। देन हम उसके हिसाब से डिज़ाइन को मॉडिफाई कर लेंगे। तो मैं आता हूँ फिर से यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर के ऊपर, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इंडेक्स व्यू को ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से रेजर एम्प्टी व्यू करूँगा, या यहाँ से रेजर व्यू करता हूँ और ऐड करता हूँ। ऐड करते ही यहाँ पर जो इंडेक्स, हमारे इंडेक्स के नाम से ही आएगा, क्रिएट पार्शियल व्यू को यहाँ से हटाऊंगा, और यहाँ क्या नेक्स्ट क्या है, यूज अ लेआउट पेज। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, लेआउट पेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे मैं व्यू सिलेक्ट करूंगा तो शेयर्ड वाले फोल्डर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर हमारे शेयर्ड फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल है वो हमको दिखा देगा। तो यहाँ से हमको कौन सा लेना है, एडमिन अंडर स्कोर एडमिन लेआउट को मैं इसमें ऐड कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, और देन मैं पेज को क्रिएट कर दिया। तो एक क्या करेगा, एडमिन का फोल्डर बनाएगा व्यू के अंदर, और देन उसमें एक इंडेक्स पेज क्या करेगा, ऐड करके हमको दे देगा। ये क्या किया, देखिए यहाँ पर एडमिन लेआउट हमको पेज पर ऐड करके दे दिया। अगर बात करें, जब इस पेज को हम रन करके देखते हैं क्या क्या पहले आ रहा है, बेसिकली देखिए इसको मैं यहाँ से ब्रेक हटाता हूँ, क्योंकि पिछली बार का ब्रेक हमारा अलग पर क्यों लगा हुआ है। इसको मैं अभी ब्रेक जो भी है उसको मैं क्लीन करता हूँ, और यहाँ जो ये हमारा लोकल ऑफ लिख जा रहा है, यहाँ पर मैं स्लैश लिख के, जैसे मैं एडमिन लिखूंगा तो हमको क्या होगा, वो वाला पेज लोड होके आएगा। अब एडमिन लेआउट में क्या होगा, हमारा ये जो मेनू है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हमको फुटर में इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे हटाएंगे, बीच में हम अपने हिसाब से इसमें चीज़ें एड ऑन करेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ से लेफ्ट में, और देन हम क्या करते हैं, एक
जो ये हेडर है, जो मैंने पार्शियल व्यू बनाया था, फुटर पार्शियल और हेडर पार्शियल, उसी तरह से एडमिन का भी पार्शियल बना लेते हैं। तो ये मैं हेडर और फुटर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट किया, यहीं से मैं इसको कॉपी किया और देन मैं शेयर्ड में ही पेस्ट कर दिया। क्या हुआ, इसका कॉपी तैयार हो गया बेसिकली। और इसको मैं क्या करता हूँ, फुटर पार्शियल के तो मैं रीनेम करूँगा कॉपी वाले जो है उसको, अभी मैं इसको स्टॉप करूंगा, देन वो रीनेम का ऑप्शन हमारे पास एक्टिव हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको रीनेम करूंगा और देन यहाँ से ये कॉपी हटाऊंगा और कॉपी हटा दूंगा और फुटर एडमिन फुटर पार्सल, उसका नाम एडमिन से मैं शुरू कर देता हूँ। उसी तरह से हेडर वाले को भी रीनेम करके मैं एडमिन कर लेता हूँ। यहाँ शुरू में इसको मैं इसमें भी मैं क्या करता हूँ, एडमिन दे देता हूँ, एडमिन पार्शियल, और इस कॉपी को हटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये एडमिन से रिलेटेड हमारा हेडर और फुटर तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, पहले मैं फुटर पे आता हूँ। फुटर पे हमको क्या करना है, जो हमने एडमिन के लिए बनाया है उसमें हमारा क्या होगा, ये इतने पार्ट नहीं होगा, इतना पार्ट हमको चाहिए ही नहीं, जो हमारा जो फुटर में मेनू आ रहा था। इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, सब फुटर को हटा देता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, उसी तरह से एडमिन में हमारा क्या होगा, ऑप्शन जो हेडर होगा उसमें क्या होगा, ऑप्शन हमारे थोड़े चेंज हो जाएंगे, जैसे लॉग इन की जगह क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, माई प्रोफाइल हो जाएगा। और एक ब्लॉग का होगा बेसिकली, जो हम ब्लॉग में हम एडिट का सारा काम उस वहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये मैं इसको सेव करता हूँ और एडमिन लेआउट के ऊपर जो ये पार्शियल हेडर पार्शियल कॉल है, इसके पहले मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ये एडमिन अंडर स्कोर हमारा क्या था, एडमिन हेडर पार्शियल था, उसी तरह से एडमिन फुटर पार्शियल था। अब इस पेज को हम क्या करते हैं, रन करके चेक कर लेते हैं, जो हमारा जिस तरह हम चाह रहे थे उस तरह से हमारा पेज आया कि नहीं। तो ये हमारा क्या हुआ, पेज रन होके आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ से स्लैश एडमिन लिखूंगा, तो ये हमारा क्या होगा, एडमिन का पेज कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ से मैं लॉग आउट करूंगा, ये माई प्रोफाइल देख सकता हूँ, यहाँ से ब्लॉग को हम क्रिएटेड का सारा ऑप्शन हम अभी इस पर बनाएंगे डिजाइन। इसके बाद इससे पहले हमको क्या करना है, जैसे लॉग इन करें तो इस वाले पेज पर हमारा क्या हो, लोड होके आ जाए। जैसे मैं लॉग इन पेज को रन करूँ तो इस पेज पर हमको आना है, लॉग इन वाले पेज पर। अब इसके बाद अगर मुझे लॉग इन पेज बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आता हूँ होम कंट्रोलर के ऊपर और यहाँ पर एक एक्शन डिफाइन करता हूँ लॉग इन का। यहाँ पर मैं एक्शन डिफाइन कर लेता हूँ एक लॉग इन का होम कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, अब इस ये लॉग इन क्या करना होगा, मुझे व्यू ऐड करना होगा, तो इसके लिए भी मैं एक रेजर व्यू ऐड कर लेता हूँ। इस बार जो है हमारा क्या होगा, ये जो लेआउट सेलेक्ट करना है, ये कौन सा सेलेक्ट करना है, नॉर्मल लेआउट सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये हमारा बिफोर लॉग इन पेज होगा। ठीक है, तो ये बिफोर लॉग इन पेज होगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, हमारा होम फोल्डर के अंदर एक लॉग इन का पेज बन के अभी आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं अकाउंट से रिलेटेड, अगर जितना ऑप्शन है लॉग इन से उसको हम अकाउंट के अंदर रखते हैं। तो अभी मेरा बहुत ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके बाद हम जो प्रोजेक्ट करेंगे वो हमारा थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होगा और उसमें हम प्रॉपर हर एक चीज़ को मैनेज करते हुए बनाएंगे। ये बेसिकली क्या है, ये दो दो तीन मतलब तीन चार पेज की वेबसाइट है, बेसिकली सिंपल ब्लॉग की वेबसाइट है। तो ब्लॉग वेबसाइट उतनी बड़ी नहीं है, बेसिकली एडमिन क्या करेगा, ब्लॉग क्रिएट करेगा, यूजर क्या करेगा, ब्लॉग को व्यू करेगा, बस इतना ही फीचर है इसके अंदर। तो इसी चीज़ को मैं देखते हुए बना रहा हूँ, बेसिकली जब उतनी बड़ी वेबसाइट नहीं है तो उतने अलग अलग बेसिकली क्या कहा जाए, अलग अलग कंपोनेंट में कहें या अलग अलग इसको जैसे एपीआई बनाऊँ या एपीआई से रिलेटेड लाइब्रेरी क्लियर करूँ, वो सारे काम मैं एक ही प्रोजेक्ट के अंदर कर रहा हूँ, अलग अलग सबकी प्रोजेक्ट नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगला जो प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं वो शॉपिंग से रिलेटेड करने वाले हैं, उसमें हम जो है बेसिकली क्या करेंगे, हर एक चीज़ को अलग अलग बनाएंगे और देन सबको मर्ज करेंगे, बेसिकली एपीआई बेस्ड बनाएंगे उसको, एपीआई उसकी अलग रन होगी और देन हमारा क्या होगा, प्रोजेक्ट अलग रन होगा, वो आगे इसके
ये जब खत्म होगा उसके बाद का वो प्रोजेक्ट होगा बेसिकली। तो ये हमने क्या किया, लॉगिन यहाँ डिफाइन कर लिया। अब लॉगिन पेज के यहाँ पर हम क्या करना है, पेज को डिजाइन करना है। तो पेज को डिजाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स से ही कुछ कंपोनेंट, कुछ टेक्स्ट बॉक्स, कुछ डिजाइन यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कंटेनर उठाता हूँ और इसी को उठा के पहले मैं डाल देता हूँ। अब कंटेनर में क्या है, अब ये देखते हैं कंटेनर में क्या है। ये बेसिकली यहाँ पर है अल्फाबेट इंग्लिश, व्हाट इज इंट्रोडक्शन, बेसिकली क्या है, ये डिव है एक हमारे पास जो क्या कर रहा है। मैं यहाँ पर अपना डिव अभी डिक्लेयर करता हूँ, थोड़ा सा डिजाइन मैं चेंज कर दूंगा। अभी मैं एक सिंपल सा डिजाइन बना रहा हूँ, डिव क्लास रो। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, डी क्लास, ये बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, जिसकी वजह से ये रो और कॉलम हमारा चलता है। तो इसको मैं कर देता हूँ कॉलम 6 और शिफ्ट और 6 ले लेता हूँ राइट साइड के लिए, जिसमें मैं क्या करूँगा, लोगो डाल दूंगा या कुछ कोई इमेज डाल दूंगा। और इस 6 के अंदर मैं क्या करता हूँ, फॉर्म अपना बना लेता हूँ। तो इस 6 के अंदर मुझे फॉर्म बनाना है, तो मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, एक और रो कॉलम ले लेता हूँ। और इस रो के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ये 12 12 होगा, ये 12 हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा और ये मेरा इस। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स देनी है और एक बटन का हो गया, ये मैसेज का हो गया। अब टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास क्या होगा, इनपुट टाइप लूंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। क्लास कौन सा यूज करूंगा इसमें, क्लास यूज करूंगा फॉर्म कंट्रोल। तो हमारा बूटस्ट्रैप का बना बनाया क्लास होता है, ठीक है। और इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, ये बेसिकली आईडी के लिए हो गया, ये पासवर्ड के लिए हो गया और ये इनपुट टाइप सबमिट। अब इसको रन करके देखते हैं जो लॉगिन पेज हमारा किस तरह से दिख रहा है। अभी थोड़ा सा डिजाइन और भी हम इसको चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। यहाँ से मैं आता हूँ लॉगिन, लॉगिन डायरेक्ट बेसिकली क्या है, ये होम के साथ है, तो यहाँ पर होम देन ये लॉगिन कुछ इस तरह से आ रहा है। ये इसके अंदर जा रहा है तो ऊपर से हमको क्या करना होगा, फीडिंग देना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए BR डाल देता हूँ, इसके डिजाइन को चेंज करेंगे। अभी फिलहाल मैं एक बार इसका CSS देखना पड़ेगा, कुछ CSS में होगा बना हुआ, उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी भी ये क्या कर रहा है, यहाँ अंदर ही जा रहा है, ये क्या हुआ, हमारा ऊपर से हटके आ गया। अब क्या करना है, जिस बटन क्लिक होता है हमारे उस पर जाए, बेसिकली कहाँ पर जाए, यहाँ पर आए बेसिकली एडमिन कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड पर आए। तो इस बटन के साथ हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पर ये बटन मैं दूसरे टाइप का बना देता हूँ, बेसिकली मैं इसको बना देता हूँ, ये टाइप का बनाता हूँ HREF। और इसमें अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, HREF नहीं देता हूँ, इसको करता हूँ ASP एक्शन। कौन से एक्शन पर जाएगा, इंडेक्स पे जाएगा, ASP कंट्रोलर, कौन से कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर पे जाएगा भाई ये। और देन हमारा क्या हो जाए, ये बंद होगा और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ लॉगिन। अब मैं अगर इसको रन करूँ, ये हमारा कहाँ चला जाएगा, होम पेज पर चला जाएगा। अब मैं अगर यहां से इसको यहां लिखूं, होम स्लैश लॉगिन आ गया। अगर इस लॉगिन बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो कहाँ जाना चाहिए, एडमिन के होम पेज पर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो बेसिकली हमने उस पेज पर रीडायरेक्ट इसको अभी फिलहाल करा दिया। लेकिन अभी ये होना क्या चाहिए, जैसे यहाँ लॉगिन पर क्लिक करें इस पर, तो जाए हमारा आईडी पासवर्ड चेक करें और देन हमको क्या करें, दिखा दे जी ये हमारा आईडी सही है,
और देन ओके हो, देन हमारा क्या हो, बेसिकली लॉगिन को चेक करें, और अगर करेक्ट है तो एडमिन पेज पे जाए, अदरवाइज वहाँ मैसेज दे दे जाइए रॉन्ग है, बेसिकली आईडी सही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल सा इसको ऐप सेटिंग से करता हूँ। बेसिकली मुझे अभी डेटाबेस में सही जा रहे हैं, डेटाबेस में हम एक आईडी बना के उससे भी लॉगिन कराएंगे, लेकिन अभी मैं एक चीज़ आप लोग को इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर मेरे ऐप सेटिंग के अंदर कोई डेटा है, अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ, ऐप सेटिंग को ओपन करता हूँ यहाँ से, अगर ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन है, अगर इस पे कोई डेटा है या कोई चीज़ को है, उसकी वैल्यू को मुझे रीड करनी है अपने कंट्रोलर के ऊपर, तो कैसे रीड करेंगे, हम पहले इस चीज़ को देखते हैं। जैसे जे अगर मैं कहूँ जे मैं यहाँ पर एक मेथड ऐड कर देता हूँ, सिंपल सा, जे मुझे क्या करना है, डिफॉल्ट यूजर का क्रेडेंटियल मेरा क्या हो यहाँ पर दिखे, तो मैंने क्या किया, कोमा लगाया, डिफॉल्ट यूजर डिटेल, मोबाइल नंबर दे दिया, पासवर्ड दे दिया, कोमा लगा दिया। बेसिकली अब इस चीज को मुझे क्या करना है, रीड करना है अपने इंडेक्स के ऊपर, कर सकते हैं किसी भी कंट्रोलर के ऊपर, कहीं भी इस वैल्यू को अगर आपको रीड करनी पड़ी तो किस तरह आप कीजिएगा, इस चीज को हमको तो हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे इस प्रोसेस करेंगे। तो इस चीज, इस वैल्यू को रीड करने के लिए, ये जो मोबाइल नंबर और इस पासवर्ड को रीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मॉडल मैं क्या करता हूँ, यहाँ नॉर्मल मॉडल फोल्डर में हम क्या करते हैं, यूजर वाले मॉडल के ऊपर ही मैं क्या करता हूँ, इसको डाल देता हूँ। यूजर मॉडल के ऊपर मैं यहाँ जो क्लास है, एक और क्लास बना देता हूँ इसी के ऊपर, या एक फाइल भी ऐड कर सकता हूँ, या एक फाइल ही ऐड कर लेते हैं डिफॉल्ट यूजर डिटेल के नाम से, यहाँ पर मॉडल फोल्डर के अंदर। तो यहाँ मॉडल फोल्डर के अंदर आया मैं, और यहाँ मैं क्या किया, यहाँ पर एक क्लास फाइल ऐड कर ली, ठीक है। तो हमने क्लास क्या बनाया, डिफॉल्ट यूजर डिटेल के नाम से मैंने एक क्लास बनाया, और इसमें जो प्रॉपर्टी हमको बनानी है, जो प्रॉपर्टी का नाम देना है, वो क्या देना है, बेसिकली जो ऐप सेटिंग में हमने डाला हुआ है वही आपको नाम देना है, यूजर मोबाइल नंबर और यूजर पासवर्ड, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐप सेटिंग में सेम होना चाहिए। यूजर ये मोबाइल नंबर है और ये यही सेम हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ जी, इससे क्या होगा, ये मेरा रीड करेगा मैच करा के, तो ये हमारा सेम होना चाहिए, यूजर पासवर्ड यहाँ पर जो डाले हैं ये हमारे यहाँ पर सेम होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रीड करेंगे इसके हेल्प से, तो इसको मुझे क्या करना होगा, इसको रजिस्टर करना होगा प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। तो प्रोग्राम डॉट सी एस के ऊपर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर अगर मैं प्रोग्राम डॉट सी एस अगर मैं इसका ओपन करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड के थ्रू, जिस तरह हम ये डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऐड किए थे ना, कुछ इसी तरह से हमको यहाँ पर भी इसको ऐड करना होगा। तो इसको ऐड करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट कन्फिगर, कन्फिगर किसको करेगा, ये डिफॉल्ट यूजर डिटेल, डिफॉल्ट यूजर डिटेल हमारा क्या था, ये मॉडल था, ठीक है। तो डिफॉल्ट यूजर डिटेल को क्या करेगा, ये कॉन्फ़िगर करेगा किसके थ्रू, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन, और सेक्शन का नाम क्या है, डिफॉल्ट यूजर डिटेल, हमारा जो ऐप सेटिंग में इस सेक्शन का हमने नाम क्या दिया था, गेट यूजर डिटेल कर दीजिए या डिटेल्स कर दीजिए, मैं डिटेल्स ही रख देता हूँ, खैर कन्फ्यूज मत हो जाएगा, गेट यूजर डिटेल्स है इस सेक्शन, इसका नाम को मैं क्या किया, प्रोग्राम डॉट सी एस के यहाँ पर सप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया, इसे रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, होम कंट्रोलर के ऊपर उसकी वैल्यू को रीड करनी है। तो मैं अपने होम कंट्रोलर के ऊपर आता हूँ यहाँ से, और इसके ऊपर मुझे क्या करना है, लॉगिन वाले पे यहाँ पर वैल्यू को रीड करके मैच करा के हम लॉगिन कराएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर यूजर और पासवर्ड को यहाँ पर रीड कर लेता हूँ, मैं स्ट्रिंग में यहाँ यूजर और देन हमारा नेक्स्ट में क्या आ जाए, पासवर्ड, दो हमको वैल्यू रीड करना है कहाँ से, ऐप सेटिंग से डॉट जेसन से, ठीक है, पासवर्ड, ये दो वैल्यू को रीड करना है। तो हमारा क्या हुआ, रजिस्टर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्राइवेट रीड ओनली आई ऑप्शन टाइप पे लेंगे बेसिकली, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर प्राइवेट रीड ओनली आई ऑप्शन, डिफॉल्ट यूजर डिटेल हमने जो मॉडल बनाया था उसको यहाँ सप्लाई करेंगे, और डिफॉल्ट यूजर लॉगिन
मैं इसके दे दिया। और इसका मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर डालना है। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, क्विक एक्शन रिफैक्टरिंग पर क्लिक कीजिएगा, ऐड ऐड पैरामीटर टू होम, कह रहा है बेसिकली, या ऐड पैरामीटर टू ऑप्शनल पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर नहीं बनाना है। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमको इसमें ऐड करके दे दिया डिफॉल्ट लॉगिन। अब इस डिफॉल्ट लॉगिन के थ्रू मैं क्या करूँगा, वैल्यू को रीड करूँगा। कैसे, यहाँ पर आऊंगा और अपने मैं लॉगिन पर आता हूँ और यहाँ यूजर नेम पे मैं क्या करूँगा, डिफॉल्ट यूजर लॉगिन डॉट वैल्यू डॉट, अब यहाँ देखिएगा आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड मेरा आ गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, पासवर्ड को भी यहाँ पर रीड कर लूंगा। अब ब्रेक लगा के मैं देखता हूँ जो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही है कि नहीं अब सेटिंग से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ब्रेक लगाया और इसको मैं रन कर दिया, रन कर दिया। अब ये पहले तो ये क्या हुआ, जब मुझे ये पहले लॉगिन पर तो हमको कुछ नहीं मिला, बेसिकली हमारा क्या हुआ, अभी पेज ये रन नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ अपने लॉगिन के ऊपर, यहाँ पर आया होम पे स्लैश लॉगिन, जैसे होम स्लैश लॉगिन क्लिक किया, ये देखिए यहाँ मेरा ये आ गया। अब मैं F11 करके जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, ये देखिए यस किया, तो यहाँ यूजर में हमको देखिए यहाँ पर यूजर नेम मिल गया। उसी तरह से यहाँ से पासवर्ड में मुझे क्या हुआ, पासवर्ड मिल गया। तो एप सेटिंग डॉट जेसन की वैल्यू को हम कुछ इस तरह से रीड करते हैं जे डॉट नेट कोर के अंदर। अब क्या करना है, जे अब जैसे ये बटन मेरा क्लिक हो तो ये वैल्यू वहाँ जाके मैच कराए, ये बेसिकली इसकी जो वैल्यू है क्या ऐप सेटिंग की वैल्यू सेम है, अगर सेम है तो क्या करें, लॉगिन कर दें। तो इस चीज़ को मैच करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक मेथड बनाना होगा, पोस्ट मेथड। तो यहाँ पर लॉगिन का ही में हम क्या करते हैं, पोस्ट मेथड बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या किया, HTTP पोस्ट, पोस्ट मेथड बनेगा और देन क्या करेगा, हमारा यहाँ पर एक मॉडल बनाएंगे और उसमें वैल्यू को पास कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये हमारा क्या है, HTTP गेट है, और नहीं लिखते तो डिफॉल्ट गेट ही होता है। और यहाँ पर हम यूजर मॉडल, ये कुछ इस तरह से हमारा क्या हुआ, यूजर मॉडल हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मेन गेट वाले से हटा दूंगा, गेट का तो चाहिए नहीं, मुझे बटन क्लिक पर इसको देखना है। तो अब यूजर डॉट, तो मैं यहाँ पर ये स्ट्रिंग हटा देता हूँ और यूजर डॉट मोबाइल नंबर, अभी तो मैं क्या करता हूँ इसी में रह देता हूँ, इसको मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ। तब क्या होगा, बटन क्लिक पर ये वाला मेथड मेरा कॉल होनी चाहिए। तो बटन क्लिक पर अगर इस मेथड को आपको आपको कॉल करना है तो क्या लिखना होगा, यहाँ आते हैं हम लॉगिन वाले पेज पर, अब लॉगिन वाले पेज पर जो हमारा कंट्रोलर क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करें तो ये होगा हमारा लॉगिन और ये कंट्रोलर हमारा क्या होगा, होम होगा। अभी हम तो आगे बढ़ाया नहीं, अभी तो होम के लॉगिन मेथड को ये हमारा कॉल करेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना, अगर इसको मुझे डायरेक्ट कॉल करनी हो तो देखते, अब ये बटन मैं क्लिक करूंगा तभी ये डायरेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये क्लिक नहीं किया है फोन के लॉगिन पे। एक्चुअली मुझे लग रहा है फॉर्म कंट्रोल करना पड़ेगा, तब ये हमारा डेटा उस पर पोस्ट करेगा।
आ गया, लेकिन ये गेट पर ही जा रहा है क्योंकि पोस्ट के लिए हमें करना था फॉर्म कंट्रोल के अंदर, इसको मेथड पोस्ट करके इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, तो हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से लॉगिन पर आता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ बाहर में एक फॉर्म कंट्रोल दे देता हूँ, फॉर्म मेथड पोस्ट, कहाँ जाएगा ये मेथड पोस्ट। अब आते हैं ESP एक्शन, कहाँ जाएगा, लॉगिन पे जाएगा, और ESP कंट्रोलर कहाँ जाएगा, होम पे जाएगा, और इसको हम बंद करेंगे, कहाँ बंद करेंगे, लास्ट में। और यहाँ से हम इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर बटन ले लेते हैं सबमिट टाइप का। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बटन डाल देता हूँ, टाइप सबमिट, वैल्यू क्या कर देता हूँ, अब देखते हैं हमारा ये जाता है कि नहीं वहाँ पर। यहाँ पर आया होम स्लैश लॉगिन, अब आया यहाँ पर, अब मैं इसको मैं लॉगिन पर क्लिक करूँ, अभी ये कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है। इसको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो बटन लिखा हुआ है इसको इनपुट करूँगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, वहाँ फॉर्म पे मिल जाएगा। अभी अगर अब मैं इस बटन को सबमिट करूँ, ये इनपुट टाइप सबमिट, और इसको यहाँ पर एरर कर रहा है, इसको मैं इस तरह से ये सबमिट कर देता हूँ। अब मैं जब इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म टैग के ऊपर एक्शन और ये कंट्रोलर बेसिकली लॉगिन और होम पर क्या होगा, ये अब जाएगा। क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं टाइप बटन लिया था, या इनपुट टाइप लेंगे तो इनपुट टाइप के साथ ही क्या होता है, फॉर्म हमारा वर्क करता है। तब इसको मैं रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ पर ब्रेक लगा के ये मेरा वहाँ पर जा रहा है कि नहीं, होम कंट्रोलर के लॉगिन पे पोस्ट मेथड पे, ये मेरा रन हो गया। यहाँ से लॉगिन पर क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पर सबमिट करूँ, ये कहाँ आया, मेरा HTTP पोस्ट मेथड पर आ गया, और यहाँ ये मॉडल में हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अभी मॉडल में हमारी वैल्यू नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने अभी टेक्स्ट बॉक्स पे मॉडल को बाइंड नहीं किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बाइंड इस मॉडल को क्या करना होगा, अपने व्यू के ऊपर, यहाँ लॉगिन व्यू के ऊपर, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, एट द रेट मॉडल, और एट द रेट मॉडल लिखेंगे, और देन हम क्या करेंगे, इस मॉडल को यहाँ पर यूजर व्यू मॉडल को यूज कर लेंगे। अब इस मॉडल से जो डेटा आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे। क्या कैसे डालेंगे, यहाँ पर ASP4 लिख देते हैं उसके लिए, और ESP4 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर मोबाइल नंबर हम ले लेंगे, मोबाइल नंबर आ गया। उसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे, ESP4 पासवर्ड, हमारा उसमें पासवर्ड भी होगा, आप देखिएगा ध्यान से, तो हमारा इसमें पासवर्ड भी होगा, ये रहा पासवर्ड, इसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, इसका हम क्या करते हैं, टेक्स्ट मोड पासवर्ड कर देते हैं। इनपुट मोड टेक्स्ट, सॉरी टाइप को क्या करना होता है, पासवर्ड करना होता है, यहाँ जो टाइप टेक्स्ट लिया हूँ इसको हम क्या कर देंगे, पासवर्ड कर देंगे, ये हमको क्या कहो एज ए पासवर्ड फॉर्मेट में इनपुट होने लगेगा बेसिकली। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा अब मैं इस फॉर्म में जो डेटा डालूंगा वो हमको कहाँ मिलेगा, कंट्रोलर पर मिलेगा, चेक करना है, इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या वो वैल्यू हमें मिल रहा है कंट्रोलर पर या नहीं। तो अब मैं यहाँ से लॉगिन पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी डालता हूँ, जैसे जब मैं राजेश यहाँ डालता हूँ, और यहाँ पर क्या करता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब यहाँ अगर सबमिट पर क्लिक करूंगा तो ये यूजर मॉडल में मुझे क्या होगा, देखोगे आप राजेश 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड मिल रहा है।
अब इस मॉडल में जो वैल्यू मिल रही है, अगर दोनों वैल्यू मैच करे तो हमारा क्या हो जाए, ये रिडायरेक्ट हो जाए, अदरवाइज नहीं हो। तो ये हम कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जैसे यूजर मॉडल से जो वैल्यू आ रही है क्या ये बराबर है या नहीं है, तो ये कंडीशन लगा कर हम लॉग इन करा सकते हैं। तो ऐप सेटिंग के थ्रू हम कुछ इस तरह से लॉग इन करा सकते हैं। यहाँ पर आप लगाइएगा इफ अंडर स्कोर इफ यूजर नल नहीं हो, यूजर पासवर्ड नल नहीं हो, बस ये वैल्यू नल नहीं हो, तो हम इसको भी तो चेक करेंगे ये भी नल ना हो। तो इफ यूजर डॉट मोबाइल इसको नल आइडेंटिटी हमको चेक करना है, तो आप क्या लगाएंगे इज नॉट इज नल सॉरी स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, और इसमें मैं क्या करूँगा इसको, ठीक है, ये क्या चेक करेगा इसको, नल और एम्प्टी मोबाइल नंबर को चेक करेगा। उसी तरह से अगर पासवर्ड को भी चेक कराना है तो इसी में मैं कंडीशन और लगा देता हूँ, इसको यहाँ पर एंड का साइन दूंगा और यहाँ पर पासवर्ड ले लूँगा और इस ब्रैकेट से बंद कर दूंगा और इसको क्या करूँगा पासवर्ड कर, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये भी ब्रैकेट हमारा खुलेगा और ये बंद होगा, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, और सेम इसी तरह से ये नल नल जो हमें इस तरह चेक किया हो, ये बेसिकली डिफॉल्ट कोड टाइप होके आ गया है, ये भी तरीका सही नहीं होता है। बेस्ट तरीका क्या होता है हमारा, इस तरह से होता है ये जो फॉर्मेट है ये, ठीक है। और इसमें हमको क्या करना है, ये सेकंड में हमको इसको यहाँ भी हम एंड ही लेंगे क्योंकि दोनों में वैल्यू रिक्वायर्ड होना चाहिए, तभी हम मैच कराएंगे, अदरवाइज हम मैच नहीं करा पाएंगे। तो ये हमने क्या किया, इसका भी हमने नल और एम्प्टी यहाँ पर चेक कर लिया। तो ये क्या हुआ, चारों वैल्यू अगर मुझे जब मिलेगी तब मैं यहाँ पर चारों में वैल्यू है, तो अब मैं इसको यहाँ पर कंडीशन चेक कराऊंगा। इफ यूजर डॉट मोबाइल एक्चुअली यहाँ पर होगा यूजर क्योंकि ये हमारा कॉन्फ़िग से आ रहा है और यहाँ होगा पासवर्ड, अब मैं यहां से इसको मैं कॉपी करता हूँ। इफ यूजर इक्वल इक्वल क्या अंडर स्कोर यूजर मोबाइल के बराबर है, एक ये कंडीशन हमारा हो गया, और दूसरा को हम मैच कराएंगे पासवर्ड मैच कराएंगे भाई, यहाँ पर एंड लगाएंगे और पासवर्ड को भी मैच करा लेंगे, ठीक है। तो क्या पासवर्ड PWD इक्वल इक्वल क्या पासवर्ड इक्वल इक्वल ये पासवर्ड है, तो अगर है तो ये हमारा क्या हो जाए, यहाँ से लॉगिन हो जाए, अदरवाइज एरर मैसेज दिखा दे, नहीं है तो हम लास्ट में एक ही बार यहाँ से एरर रिटर्न करोगे, नहीं है तो यहाँ से हमारा क्या हो जाए, एरर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कुछ हम लॉगिन इस तरह से करा सकते हैं ऐप सेटिंग का यूज करके, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जी, ये ही काम मुझे डेटाबेस से करना हो, जो हमने वैल्यू ऐप सेटिंग से निकाला है ये हमको कहाँ से निकालनी होगी, डेटाबेस से। तो डेटाबेस से हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एक प्रोसीजर बनाएंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम रीड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू मुझे मिल गई और यहाँ पर इसको नल चेक कर लिया, और यहाँ जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आ रही है इसको भी हमने चेक कर लिया। अब ये क्या कर रहा है, क्या बराबर है, नहीं है, बाहर निकल गया है, एरर एरर में ये चला गया बेसिकली, ठीक है। तो ये हमने ऐप सेटिंग के थ्रू कर दिया। अब बात करेंगे हम इसको डेटाबेस से, अब ये काम करते हैं, इस फॉर्म के डिजाइन को थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, ये फॉर्म का डिजाइन उतना अच्छा नहीं है, मैंने बना के रखा हुआ डिजाइन, इसको मैं उठा के
इस पर मैं डाल देता हूँ, इसका डिज़ाइन थोड़ा ये क्या होगा चेंज हो जाएगा एचटीएमएल। अब एचटीएमएल लेके क्लाइंट में बताने बैठूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं उसको बना के रखा था, मैं इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इसको मैं यहाँ ऊपर में डालता हूँ। और ये क्या लिया हूँ, मैं एक सेक्शन ले आया हूँ जिसमें एचटीएमएल बूटस्ट्रैप का ये बना बनाया क्लास होता है बेसिकली। कंटेनर लिया हूँ, एक फॉर्म टैग हमने जो लिया था लॉगिन और सेम उसी तरह से है। अब थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर लिया हूँ, थोड़ा टेक्स्ट डाल दिया हूँ, और यहाँ पर जो हमने लॉगिन और पासवर्ड के लिए लिया था उसी चीज़ को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। लॉगिन के लिए हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स था क्या था, यहाँ पर अगर बात करें तो इनपुट टाइप टेक्स्ट मोबाइल नंबर था, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट ESP फॉर मोबाइल नंबर। यहाँ भी वो लगभग वही चीज होगा, यहाँ पर इनपुट ये नेम लिया गया, नेम को मैं हटा देता हूँ, नेम की मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है। टाइप टेक्स्ट आईडी की भी मुझे अभी जरूरत नहीं है, ESP फॉर मोबाइल नंबर। और यहाँ फॉर्म कंट्रोल एक क्लास में ले लिया, इंटर योर ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर, ठीक है। सेकंड में हमारा क्या है, पासवर्ड था, तो यहाँ पर इनपुट टाइप, यहाँ पर नेम मुझे चाहिए नहीं, हटा देता हूँ क्योंकि, और यहाँ आईडी भी अभी नहीं चाहिए, आईडी जब हम जेक्यूरी से काम करेंगे तब तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, टाइप में हमको क्या लेना था, यहाँ पर पासवर्ड लेना था, टाइप में पासवर्ड लेना था इसमें, ठीक है। और हमने ESP फॉर पासवर्ड वही वही है, प्लेस होल्डर हमारा सेम है। और यहाँ पर क्या, इनपुट टाइप सबमिट बटन ले लिया, इसका नेम की जरूरत नहीं है, और उसकी वैल्यू क्या रखना है, लॉगिन रखना है, आईडी की मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये क्या क्लास हमने इसमें CSS की लगा दिया, अगर हमारा रजिस्टर ऑप्शन होगा नहीं, फॉरगेट ऑप्शन होगा नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और जो हमको एरर मैसेज शो करना है इस डीप के अंदर हम शो करेंगे, और देन हमारा क्या है राइट साइड में एक इमेज है, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाऊं डिज़ाइन, तो कुछ हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन हमारा आएगा, इस डिज़ाइन को हम क्या करेंगे, अभी हम मॉडिफाई करेंगे। ये हमारा फॉर्म एक्चुअल में इस तरह से बन के आएगा, इस वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूँ, नीचे वाले पार्ट को। तो नीचे वाले पार्ट को हटाने के लिए हम क्या करना होगा, इसमें से जो ये फॉर्म कंट्रोल हमने लिया था, ये बेसिकली इस पूरे सेक्शन को ही मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो हम रन करके हम फॉर्म मैं आपको दिखाऊँ तो फॉर्म मेरा कुछ इस तरह से ये बन के आ गया। बेसिकली इसका व्यू क्या हुआ, हमने व्यू को इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, डीबी से यहाँ से अगर मैं यहाँ कोई भी वैल्यू टाइप करके यहाँ से भेजूंगा तो यहाँ भी एक्शन यहाँ पर आ रहा है, और ये देखिए मेरे इसमें डेटा आ रहा है मोबाइल और पासवर्ड में। तो अब हम नेक्स्ट में हमको इसमें क्या करना है, यहाँ से हम जो भी काम करेंगे वो प्रॉपर अलर्ट भी दिखना चाहिए, और डेटाबेस से हम लॉगिन कराएंगे इसको अगली बार, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम इस काम को करेंगे। ओके, थैंक यू।